देखिए अभी शंकरपुर गांव के वही पीड़ित परिवार है जिनके पति को निर्मम हत्या करके इस नदी में फेंक दिया गया था। यहां पर लोगों का रोड पर बुरा हाल है। देखिए पहुंचे हुए हैं, क्या हुआ कैसे हुआ है सब पता चला। अरे कमाए नावा राजा के मारे मुआ दे बरसन। अरे कुतवा बोला वालो हो राजा के हमारा। कौन से बात उत भई रहे काल? हाँ बेटी कल कोदरम है थी बानी बात भई 8 बजे के करी में बात भई रहे। बोलनी के पापा कहाँ बड़ा था 8 बजे बाबा बाजार पर बानी पापा जाता नहीं बानी हम घरे तम कहनी ठीक बा पापा चल जा तू घरे 8 बजे के करी में बात भइल बाबे हमरे पापा से ओकरा बाद नहीं के बात भइल मोबाइल स्विच ऑफ बता देले बाबे फिर फोन ट्राई कर आधा घंटा के बाद फिर ट्राई भइल बाबे ना फोन वा धौए हमरा पापा लगे एक बार जब बात भइल त कुछ घबराहट रहे चाहे कुछ ऐसन लागल रहो कुछ ना पियला हुना रलन एकदम ठीक से बतिया उतरलन पापा हमार बतिया मायरे पियला ने खन जाता रन तब हम बैठे रहिए जाए दवाई हने अबेर भयो तब गाड़ी लेके कार चारी खोज जाता है राजवा ने के मिलो थे जब कुली गा के खोज पहले महाराजगंज में काम करते थे पता चला और कल पहली बार जनता बाजार गए ना ठेकेदार यहां पे ठहरत रहन त हन जात रहल हन मर्दनपुर जानता महाराजगंज मतलब जनता बाजार कल पहली बार गए थे ना जात रहल हन रेगुलर जाते थे। हां ओ जतल हन महाराजगंज जतल हन मर्दनपुर जात रहल हन परसों गोर महाराजगंज काल जाए सीधा बोला दे हन जे जाओ राजावा चल गवे रे दादा रोलन कोई से झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ बात रहे ना रे राजावा रे ना झगड़वा भरे तुम छन कर अति कोनो से कवन मुदैया ठारा हो गए मार देलस रे दादा कुत्ता बोला बोलो दादा जांच के मांग करे यहां प्रशासन से ओ कुत्ता बताई नु इंसाफ दिवाई इंसाफ चाहिए मतलब जांच गहन जांच के मांग कर रहे हां जांच होगा इंसाफ दिलवाइए मेरे पापा को स्क्वाड का मांग कर रही है बोलाइए स्कॉट डॉग को जांच चाहिए मेरे पापा को बोलाइए डॉग डॉग काम को के खात रहन सुतत रहन फिर 8 बजे कितना बजे तक घर पहुंच जाते थे टाइम माने तन होने देरी होतल महाराजगंज ने से हाल दिए चल जतर रहन 8 बजे 8 बजे के भीतर 7 बजे हर दिन पहुंच जाते हां 7 बजे करी में घर हाजिर हो जात रहनी है करता नहीं रे बेटिया कल लेट हुआ तो आपने बात किया तो पूछा था कि लेट क्यों हो रहा है वो बोले थे कि दो चार आदमी साथ में है घर चल जाएंगे तो हमने ठीक है चल जाइए घर आप उस सुबह मोबाइल स्विच ऑफ बोल रहा था कि मोबाइल इसका आदमी साथ में था उनके बताए थे आपको हां कि अकेले नहीं कि घर दो चार आदमी बात साथ में कौन लोग थे पता नहीं चला ना बतैलन कि के बाबे ये कुत्ता बोला के लाश के इंक्वायरी दिना ले के लीजिए कौन ऐसा आदमी इसे इसका घटना किया है हाँ तब हम लोग के पता चलेगा ना तो हम लोग के पता नहीं बोलाई कुत्ता का बोलाइए झूठ सच वह बताइए आपके कितने बच्चे हैं दूगो कहाँ पे हैं अभी हम गोइल बारो ना एक जन पूना बारो ना आवतालो दोनों जन आवतालो हमारा लाश रही बाकी कुत्ता बुलाई हो दादा हम अगरे में जा हमारे बेटा वो सन देखिए परिवार के लोग हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि डॉग स्क्वाड जब तक नहीं आएगा बॉडी उसी तरह से वहाँ पड़ा रहना चाहिए और इन लोगों को विश्वास है कि डॉग स्क्वाड आएगा तब शायद हो सकता है कि इंसाफ मिल जाए। अब आप बताइएगा कि डॉग स्क्वाड आएगा या नहीं क्योंकि बहुत देर का समय बीत चुका है बॉडी उसी तरह पड़ा हुआ है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कई सारे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड का एक भगवानपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है शंकरपुर जहां पर सुबह सुबह ये आए चाचा तो इनको एक लाश देखने को मिली नदी किनारे। आप दिखाइए एक बार भीड़ जो हजारों की यहां पर पहुंचे हुए डेड बॉडी अभी भी कई घंटों से देखने के बाद भी पानी के अंदर है क्योंकि स्पेशल टीम जो है जिले से आएगी उसके बाद इस बॉडी को निकाला जाएगा जाँच होगा तब पता चलेगा कि आखिर इस हत्या में शामिल कौन है। यहाँ पर चाचा जब सुबह सुबह पहुँचे तो इनको देखने को मिला इनके पड़ोसी हैं। आपका नाम क्या है? हमारा सुभाष नाम है सुभाष राय। कैसे पता चला कि हत्या हो गई है और बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है नदी में? ये तो यहाँ के आदमी बोला हमसे कि एक तो बॉडी पड़ा है नदी में चल कर थोड़ा देखिए कि आपका गाँव का है कि नहीं है तो हमारे तो देखे कि हमारा भाई साहब है चाचा का लड़का है। मतलब आपको बुलाया गया देखने के लिए तो पहचान गए? पहचान गए हम पहचानने के लिए आए तो पहचान गए। आपके पड़ोसी हैं? हाँ हमको हमारा पड़ोसी है। हाँ ऐसे किस तरह का व्यवहार था इनका क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे किसी से कोई झगड़ा वगैरह नहीं? किसी से झगड़ा नहीं है किसी से ना झगड़ा ना रगड़ा वो सिर्फ अपना खाते हैं काम पर जाते हैं काम पर से आ जाते हैं। क्या काम करते थे? राजमिस्त्री का काम करते थे। कहाँ पे काम करते थे?
जनता जनता काल खाली जनता गए थे मतलब तो पहली बार जनता बाजार में काम करने गए ना तो पहले महाराजगंज काम करते थे इस बार पहली बार जनता बाजार गए और उसी दिन हत्या हुई। क्या लग रहा है आप लोगों को किस तरह से जिस तरह से मारा गया है गर्दन पे निशान दिखाई दे रहा है नदी में जो पड़ा हुआ है बॉडी तो जिस तरह से मारा गया है कहीं ना कहीं बदले की भावना दिखाई दे रही है क्यों मारा गया होगा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं अब हम लोग का अंदाजा लगाएंगे एक दुश्मनी नहीं था फिर क्यों हत्या हुई अब कैसे हम लोग बताएं आपने देखा आपके पड़ोसी क्या मांग करते हैं प्रशासन की टीम जो पहुंची हुई है या पहुंचेगी क्या मांग करते हैं किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पे जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है उन लोगों को अच्छी से कार्रवाई किया जाए आप लोगों में भी खौफ का माहौल बन गया होगा डर लग रहा होगा जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं आप लोगों में भी खौफ होगा डर होगा डर तो है हम लोग भी आते हैं लेट सेट आते हैं बाजार से आते हैं जाते हैं आज उन पर होगा कल हम पर होगा परसों उन पर होगा तो इसलिए तो भाई कार्रवाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ यहाँ पे अपराधियों में कुछ नहीं है ना कुछ नहीं बेखौफ हैं अपराधी